गाइज वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। तो आज का दिन हमने स्टार्ट किया है मीशो के पार्सल के साथ, जो कि मैंने परसों ऑर्डर किया था वो आज आ गया है। और इसमें मैंने मंगवाया है बाथरूम ऑर्गेनाइज़र, जिसमें चार ऐसे आए हैं और यहाँ पे हुक्स भी हैं और स्टिकर्स दे रखे हैं। ये वाले दे रखे हैं स्टिकर्स, जो भी है ये इसको पेस्ट करके वॉल पे फिर इसको लगाना है। चार लंबे वाले हैं, चार ये वाले हैं, तो इसको लगा के देखते हैं कि कैसा हो रहा है बाथरूम हमारा। कहाँ लगाऊं मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं पहले लगा लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसा लगाया। यहाँ पे और ये दोनों, एक बज गया। मैं इसको अपने ब्रशेस रखने का स्टैंड बनाऊंगी, मेकअप ब्रशेस। और मीशो का पार्सल आदमी को बहुत डांट पड़ने वाली है, तो देखते हैं इसमें क्या आया है। मैं अपना कैमरा सेट कर देती हूँ। पहले मैंने इसमें मंगाया था एक स्टैंड, मतलब दो स्टैंड, तो हम इसको करते हैं अपन। किचन के लिए, क्योंकि एक भी डब्बे रैक पे है वो मेरे को पसंद नहीं है। वैसे हमारे रैक पे रहते नहीं हैं, पर जो एक तो रहते हैं उसको भी मैं गायब करना चाहती हूँ। बड़ा मुश्किल है इसको खोलने को। हमारी वीडियो तो बड़ी लंबी हो जाएगी, पार्सल खोलने में इतना टाइम लग गया। ये है कॉर्नर स्टैंड और ये है, ओ तीन है इसमें। ये है चौकी, रोटी मेकर, बेलना को टांगने वाला स्टैंड। ये है आई डोंट नो, इसको हम किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। और ये है स्पाइस रैक।
हो आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ नहाने और मैं पहनूंगी ये साड़ी क्योंकि मेरे को आज बनानी है रील्स। ये साड़ी बहुत पहले मेरी मम्मी ने दी थी मेरे को, पर मैंने ये पहनी नहीं। और ये है इसका सेम कलर का ब्लाउज। तो चलते हैं रेडी होने। नहा के हो चुकी हूँ रेडी, अब मैं बनाऊंगी रील्स क्योंकि बहुत दिन हो गए मेरे को रील्स नहीं बनाए। मैंने पुरानी वीडियो से ही काम चला रही हूँ। तो अभी मैं अपने बालों को सीधा कर लेती हूँ, फिर मैं रेडी होके बनाऊंगी। दो तीन ट्रेंडिंग साउंड मैंने सेव करके रखे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं उसी पर बनाऊंगी। और अभी तक मैंने लंच नहीं किया है, पर मैं पहले तैयार हो जाऊँ उसके बाद ही देखती हूँ क्या है खाना है मेरे को। सोच रही हूँ मैं कि बाल स्ट्रेट कर लूँ, पर मेरे को आलस आ रहा है। ऐसे ठीक है, और बहुत डिफिकल्ट हो जाता है व्लॉग बनाना काम के बीच में, पर अपने लिए भी कुछ करना ज़रूरी है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि कर लेते थोड़ा एफर्ट्स, कभी ना कभी तो फेमस हो ही जाऊंगी। होना होगा। तो ये क्या हो गया कैमरे में देख के ना कुछ हो नहीं पाता है। मैं इसको शीशे में फिक्स करके आती हूँ। ये है मेरी चूड़ियों का डब्बा। अब मैं इनमें से चूड़ी निकालूंगी मैचिंग पहनने के लिए। इसको तो मैं तो खाली कर चुकी हूँ। एक चूड़ी गायब है। हाँ मम्मी आ रही हूँ, रुकी। ये है मेरी चूड़ी। मैंने अपनी रील्स बना ली है, बहुत सारी रील्स बनाई है मैंने। आज मैं उसको पोस्ट करूँगी इंस्टाग्राम पे, आप जाके देख सकते हो। और अब चलते हैं लंच की तैयारी करने कि क्या खाना है हमें। देखती हूँ, मम्मी को भी भूख लगी है, उनको देख के आती हूँ खाने का। खाना हो गया है, साड़ी चेंज कर लिया। मैं जा रही हूँ बाहर अपने फ़ोन में टेम्पर्ड लगवाने,
काफ़ी दिनों से टूटा हुआ है, वो मैं लगवा नहीं रही हूँ। आई तुम्हें जरा डम्बल कर भाई, चलो ये है हमारी सवारी, हम जा रहे हैं बाहर टेम्पर लगवाने। क्या नाम था इसका? स्कूबी ना? स्कूबी। तो मैं टेम्पर लगवा के घर आ चुकी हूँ वापस, अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर रेस्ट करने, उसके बाद डिनर का टाइम हो जाएगा, फिर हम डिनर की तैयारी करेंगे। कढ़ाई चढ़ा दी, अब हम बनाएंगे पकौड़े। गुजिया का अंदर फिलिंग बची हुई थी हमारे पास बहुत सारी, तो हमने इतने सारे गुजिया बनाए हैं डिनर के बाद। अभी बज रहे हैं 12, लास्ट में एक थोड़ा सा ज़्यादा बचा था तो इसका बन गया मोदक। तो रात के बज गए हैं 12:30, अभी हुआ है सारा काम ख़त्म, तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, जब जा रहे हैं हम लोग सोने, क्योंकि सुबह फिर से सेम काम करना है सारा। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म।